नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गुजरात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, निकाय चुनाव के दृष्टिगत गांजा बेचने वाले 3 अभियुक्तों को 10 लाख रुपए की कीमत के गांजे माल के साथ किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लखनऊ एक्सप्रेस वे मोहब्बतपुर अंडरपास के नीचे बम्बा पुलिया से निकाय चुनाव के दृष्टिगत गांजा बेचने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 43 किलो 680 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त के नाम योगेंद्र प्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह, दूसरा अभियुक्त अखिलेश प्रताप पुत्र गजराज सिंह, तीसरा अभियुक्त पुनीत पुत्र महेंद्र को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देखिए अवनीश शाक्य की रिपोर्ट। ये हमारे थाना कुर्रा थाना अध्यक्ष अमित सिंह और हमारी जो सर्विलांस टीम प्रभारी हैं और उनके सहयोगियों ने मिलकर के एक बहुत अच्छे जो गांजा के तस्कर हैं उनको 3 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक योगेंद्र प्रताप है, एक अखिलेश प्रताप, ये दोनों औरैया के रहने वाले हैं, और एक पुनीत बाछड़े है, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। ये तीनों लोग छत्तीसगढ़ से कैरी कर रहे थे गांजा को। इसमें 2 ट्राली बैग में और 1 हैंड बैग में ये कुल 43 किलो 680 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे मोहब्बतपुर अंडरपास के पास से पकड़े गए हैं और इनके विरुद्ध मुकदमा इसमें लिखा जा रहा है और इनको गिरफ्तार करके जेल में। 10 लाख रुपए की कीमत बताई गई है और ये अच्छी बड़ी बरामदगी है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।